हेलो गाइस, मैं हूं पवन झागलो और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। आज हम जो डिस्कस करने वाले उस प्लान को वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो 30x50 स्क्वायर फीट में ये मकान बना है, 30x50 में विथ कार पार्किंग। और ये डिज़ाइन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मोबाइल फ़ोन पर, ये मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है। ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताएं। इस मकान में दोस्तों आपको प्रॉपर बेडरूम्स, लेटरिन बाथरूम, किचन और कार पार्किंग विथ कार पार्किंग मैंने डिज़ाइन किया है और बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल है। आप जैसे इसको देखते हैं तो आपको लग भी रहा होगा इसकी डिजाइनिंग काफ़ी खूबसूरत आपको लग रही हो। अगर हम फ्रंट की बात करें, सामने की बात करें तो ऐसा दिखता है, टॉप की बात करें तो टॉप व्यू आप ऐसा देख सकते हैं। ये टोटल डिपेंड, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, फर्स्ट फ्लोर इसका, ग्राउंड फ्लोर और इसमें क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है और इस मॉडल को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी 30x50 का आपके पास प्लॉट है और आप उसे बनवाना चाहते हैं तो इस मॉडल को हम पूरा डिस्कस करेंगे, बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन छागड़े और उससे पहले आपसे गुजारिश जरूर करूंगा, अगर आप अभी तक हमारे स्मार्ट हाउस प्लान से जुड़े नहीं हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी लोग वीडियो को लाइक तक नहीं करते, वीडियो को देख लेते, भाई आपका क्या जाता है वीडियो को लाइक करने में, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं इसलिए बोलता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों और अपने सभी के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो चलो हमेशा के तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करने से पहले इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। तो जैसे इस मॉडल को हम ट्रांसपेरेंट करते हैं, देखिए ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है दीवारें इसकी सभी हाइड हो जाती हैं, जो भी दीवारें थी वो सब हाइड हो जाती है, प्लस आपको अंदर अंदर का फर्नीचर जो भी है वो आपको दिखता है, कुछ डिजाइनिंग के पार्ट्स दिखते हैं। तो ये आफ्टर ट्रांसपेरेंसी ऐसा आपको मॉडल दिखता है। ये तुम आप अगर सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके ले चलते हैं इसको आपको ओरिजिनल पोजीशन पर। जैसे आप ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं तो ये देखिएगा मॉडल पूरा आपको देखने को मिल जाता है, ये आपका ओरिजिनल पोजीशन है। अब हम इसको एक करके सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू जूम करके दिखा देता हूँ कि आपका मकान एक्चुअली दिखेगा कैसा। ये दिखेगा, ये आपका मकान ऐसा दिखेगा फ्रंट से। ये आपका मेन गेट है, ये आपकी विंडोज लगी हैं, ये कुछ डिजाइनिंग का पार्ट्स मैंने क्रिएट किया है, ये आपके 2 से 2.5 फीट मैंने जगह जो छोड़ी थी उसमें आप फ्लावर्स वगैरह रख सकते हैं, वो जो कि मैंने यहाँ पर दिया है। और ये पूरा रेलिंग है, ये पूरा आपका डिजाइन है। अब हम चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर आपको लेकर। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर चलेंगे, ग्राउंड फ्लोर दोस्तों आपको ऐसा दिखेगा सिर्फ। अब जैसे इस स्लोप से आप ऊपर जाएंगे, मेन गेट है, आप यहाँ पर आपको सबसे पहले कार पार्किंग और आपका स्टेयर्स अंदर से बाहर को आएगा और फिर एल साइज में मोड़ जाएगा। उसी के नीचे आपकी जो फोर व्हीलर है और पर्याप्त स्पेस और है, वहाँ पर आप फोर व्हीलर पर एडजस्ट कर सकते हैं। अफ्टर दैट इसका जैसे आप एंट्री करते हो तो ये आपको स्पेस मिलता है, ये आपको सबसे पहले एक गेस्ट रूम मिल जाता है इधर, जिसमें आपका एक विंडो इधर है और फ्रंट से विंडो है और जो आपको एंट्री गेट है वो आपको मैंने अंदर से दिया है। अगर आप चाहें तो ये वाला गेट यहाँ पर भी लगवा सकते हैं। अफ्टर दैट अगर हम बात करें, फिर अंदर चलते हैं, ये आपका लेटरिन और बाथरूम कंबाइंड मैंने दिया है। मैंने यहाँ पर 2 लेटरिन बाथरूम बनवाए हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो अलग सेपरेट भी कर सकते हैं और एक में लेटरिन बना लेंगे बाथरूम, बट इतना स्पेस है आपके पास में, 30x50 फीट पर्याप्त स्पेस होता है, आप उसको देख कर यहाँ पर कंबाइंड भी बना सकते हो। तो सबसे फ्रंट में मैंने एक लेटरिन बाथरूम बनाया है क्योंकि अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको अंदर तक ना जाना पड़े, वो आप पर डिपेंड करता है। अब इसका आपको ये एक बेडरूम मिलता है, इसके लिए आपको दिया है यहाँ पर डोर, ये दिया है विंडो और यहाँ पर ये आपका ओपन स्पेस मिल जाता है, डाइनिंग रूम टाइप का, डाइनिंग हॉल टाइप का। और इसका ये आपकी पीछे किचन मिल जाती है, ये देखिए किचन में जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। और ये आपका एक बेडरूम हो गया, इसके बाद एक ये आपका लेटरिन बाथरूम यहाँ पर मैंने डिजाइन किया है और ये एक बड़ा सा बेडरूम पीछे आपको डिजाइन करके दिया है। और लगभग दोस्तों 2 से 2.5 फीट का, ये देखिए आप स्पेस देख पा रहे हो, पीछे वेंटिलेशन के लिए छोड़ा है, इसका और भी पर्पज नहीं है क्योंकि लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, चौड़ाई भी काफ़ी है, तो घर में अंधेला ना रहे इसलिए मैंने 2 से 2.5 फीट का पीछे छोड़ दिया है। और आप उसमें कोई भी जिंगला या कुछ भी रखवा सकते हैं ऊपर छत पे, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से सन रेस होती हैं, जो सनलाइट होती है वो पूरे मकान में पहुंच सके, पीछे से भी और आगे से भी, तो इसमें कोई वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैंने किचन से उसको आप एंट्री कर सकते हैं वहाँ पर, अगर चाहे तो रूम से भी एंट्री कर सकते हैं बाहर। और देखिए इसीलिए विंडो मैंने 2 प्रॉपर पीछे लगा दिए क्योंकि पीछे स्पेस होने की वजह से आप बहुत ही अच्छे से इस घर को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 बेडरूम मिलते हैं, 2 लेटरिन बाथरूम मिलते हैं, 1 किचन मिलता है, कार पार्किंग मिलता है, स्टेयर्स मिलती हैं और ये आपका डाइनिंग हॉल टाइप का मिल जाता है। तो ये प्रॉपर तरीके से घर एक मेंटेन घर है 30x50 फीट में। तो अगर वीडियो ये आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें जरूर वीडियो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।
अब हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर आप सपोज दैट इनके, मैंने साइज अभी आपको नहीं बताया कि रूम कितने बाई कितने है, किचन का साइज क्या है, इस लेटरिन बाथरूम का क्या है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा और आपको आना होगा हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो ये आपको देखिए घर का नक्शा मिल जाता है। ये देखिए घर का नक्शा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। लेकिन आपको अगर इसको डाउनलोड करना है, आपको इसको 2D इमेजेस 3D इमेजेस इसकी डाउनलोड करनी है, जहाँ पर मैंने साइज बता रखा हर एक रूम का, किचन का, बाथरूम का, तो उसके लिए आपको इसको खरीदना पड़ेगा मात्र 99 रुपीज़ में। दोस्तों 99 रुपीज़ में इसीलिए इतना कम प्राइस रखता हूँ कि कोई भी बंदा इसको परचेज कर सकते हैं। आप 99 रुपये में इस मॉडल को बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ पर, क्योंकि आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ। प्लेस ऑर्डर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। आपको कुछ डिटेल वहां पर भरने होंगे, आपके नाम, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल वगैरह, ये देखिएगा। लॉगिन करने के लिए बोलता है तो आपके पास पहले लॉगिन है नहीं, तो पहले आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए डिटेल भरेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। जैसे पेमेंट करेंगे तो आपके सामने ये मॉडल आपकी प्रोफाइल में सेव हो जाता है एज अ जिप फाइल। जैसे आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपको 2D इमेजेस 3D इमेजेस विद साइज विद डायमेंशन आपको मिल जाती हैं। तो ये पूरा मैंने बता दिया। अगर आपको डाउनलोड करना चाहे तो हमारी वेबसाइट मूव कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका लास्ट फ्लोर, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आते हैं दोस्तों, तो ये देखिए एक और मैं आपको बता दूँ, स्टेयर्स जो मैंने आगे दिया था, मैंने ऊपर स्टेयर्स नहीं बनाया है, लेकिन आप स्टेयर्स बनाने के लिए, ढकने के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि बरसात में डायरेक्ट पानी आपके अंदर जाने वाला है, तो उसको आपको इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने इसलिए यहाँ पर देखिए स्पेस छोड़ रखा, आप स्टेयर्स बना सकते हैं। और इसके बाद और सारी चीज़ें वही हूबहू है ऊपर से नीचे तक। ये आपका वही किचन वाले को, क्योंकि किचन इतना बड़ा है दोस्तों कि एक बेडरूम, छोटे घर की बात करें तो एक इतना बड़ा बेडरूम होता है। अगर आप चाहें फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर की बात तो मैंने डिस्कस कर ली, फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप चाहते हैं किचन को रखना तो रखें, अन्यथा आप इसको भी एज अ बेडरूम यूज कर सकते हैं, एज अ रूम यूज कर सकते हैं। तो एक ये रूम हो जाएगा, ये पहले से रूम था ये, और ये एक गेस्ट रूम था, और ये आपका कुछ डिजाइनिंग का पार्ट्स है दोस्तों। ये डिजाइनिंग मैंने दिया है, ये आपकी विंडोज दी है, और रेलिंग ये आपका 2 से 2.5 फीट का रेलिंग देख पा रहे होंगे। तो यही पूरा मकान था, डिजाइनिंग थी, और लास्ट फ्लोर है, मैंने छत बना दी है, और ये पूरा आपका 30x50 में हाउस प्लान बनकर तैयार है। आपको पूरा डिस्कस मैंने किया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई रिकमेंडेड मॉडल है मुझे कमेंट करें, हम आपका मॉडल जरूर डिजाइन करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इस मॉडल को डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जरूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।